अब देखो बेटा, अब आगे जो कुछ लिखा उसको अपने ज्यादा मत देखो, ये देखो साइन कोष्टक ए माइनस बी बराबर कितना है बेटा, एक बटा दूसरों आई में देखो कोस क्या है, ए प्लस बी बराबर कितना है, एक बटा दो, एक बटा दो, एक बटा दो, ठीक है ना। तो ये क्या है साइन ए प्लस बी बराबर, यहां साइन लिखूंगा, कितने साइन का मान एक बटा दो होता है, कितने साइन का मान एक बटा दो होता है, तीस का, कितने का, तीस का, तीस का। तो यहां कर दूं साइन तीस, कर दूं साइन तीस, सारणी में, सारणी आप पहले खुद बनाओ पेपर में जाओ, ठीक है नी, हो गयो। साइन को यहां से काट दो, यहां से काट दो, ए प्लस बी बराबर कितना कर दूं, हो गया कोस, क्या चीज कोस ए प्लस बी बराबर कोस, कितने कोस का मान एक बटा दो होता है, कितने कोस का मान होता है साठ का, कितने का होता है साठ का, कोस को छोड़ दें यहां से, सॉरी यहां भी ये माइनस था, किसका था माइनस, ध्यान को रखो दोनों, किसका था माइनस। तो ए प्लस बी बराबर कितना कर दूं, समीकरण नंबर कितनी है दो, कितनी है दो। अब देखो समीकरण एक और दो को ऊपर नीचे रख लें, ए माइनस बी बराबर कितना है और ए प्लस बी बराबर कितना है, समीकरण नंबर एक और समीकरण नंबर दो क्या लिखूं, जोड़ने ये तो कट गए, दो ए बराबर कितने हो गए नब्बे, ए बराबर नब्बे बटा दो बराबर कितने हो गए पैंतालीस, ए का मान, ए का समीकरण एक में रखने पर, रखने तो ए कितनी थी, ए माइनस बी बराबर तीस डिग्री, बराबर कितनी थी तीस डिग्री, तो कितना था ये पैंतालीस, कितना था पैंतालीस, सीधे पैंतालीस कर दूं, पैंतालीस गुणा ए पैंतालीस माइनस बी बराबर तीस, माइनस बी बराबर तीस, ये यहाँ प्लस के आगे जाके इसके हो गए माइनस के, माइनस बी बराबर माइनस के पंद्रह, माइनस ए बी बराबर कितना आ गया, ए का मान कितना है पैंतालीस डिग्री और बी का मान कितना है पंद्रह डिग्री, ठीक है कर लोगे।